भारत को आजादी मिले 72 साल हो गए हैं। समय आ गया है भारत को पानी के संकट से आजाद करने का। लेकिन अगर हमारे पास भोजन और पीने का पानी ना हो तो हम अपनी आजादी का क्या करेंगे? तो हर किसी को इस बारे में सोचना होगा। In the 70 years, since... 1947 से लेकर इन 70 सालों में एक देश के रूप में हमारे पास कई उपलब्धियां हैं। हमारे कारोबार खड़े हुए हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने असाधारण चीजें की हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे किसान बिल्कुल बुनियादी ढांचे के साथ, बिना किसी बड़े आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के, बस पारंपरिक ज्ञान और विवेक के साथ 125 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। हमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि पिछले 10 से 12 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। One of the most important reasons why farmers are suffering is... किसानों के कष्ट झेलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पानी के संसाधनों में जबरदस्त कमी और मिट्टी की गुणवत्ता में भयंकर गिरावट आई है। 70 साल पहले मिट्टी जैसी होती थी और ये आज जैसी है, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इस देश के सभी पानी के स्रोत 70 साल पहले जैसे थे और आज जैसे हैं, इसमें एक गंभीर कमी आई है। हमारी नदियां औसतन 40% से ज्यादा कम हो गई हैं। हमारे भूमिगत जल में जबरदस्त कमी आई है। हमारे देश में 72 साल पहले यानी 1947 में प्रति व्यक्ति जितना पानी उपलब्ध था, आज उसका सिर्फ 21% उपलब्ध है। तो 72 सालों के बाद एक बार फिर से हमें भारत को आजाद करने की जरूरत है, एक भयंकर गिरावट से जो मिट्टी में आई है, जो पानी में आई है। एक ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय देश में पानी का सिर्फ एक ही स्रोत होता है, वो है मानसून में होने वाली बारिश। तो जो पानी 60 दिनों में जमीन पर बरसता है, हमें उसे 365 दिनों के लिए जमीन में थामे रखना होगा। इसे थामने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों की मौजूदगी। तो एकमात्र तरीका है हरियाली को बढ़ाना। जंगलों को बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कृषि वानिकी या उद्यान कृषि, मूल रूप से पेड़ों पर आधारित खेती। अगर कोई किसान पेड़ों पर आधारित खेती की ओर बढ़ता है तो 5 से 7 सालों में उसकी आमदनी 3 से 8 गुना हो जाती है। हमने तमिलनाडु के 69,670 किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती की ओर प्रेरित किया है। हर साल हम 2 से 3 हजार किसानों को इस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम इस गति से जाते हैं तो इसमें 80 से 100 साल लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरा मकसद है इस समय को 100 सालों से कम करके 12 साल के प्रोजेक्ट में बदलना। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम अभी कावेरी पुकारे अभियान चला रहे हैं ताकि लोग पेड़ लगाने में मदद कर सकें। भारत को पानी के संकट से आजाद करने का मतलब सिर्फ ये है, अगर हम भारत की जमीन के कम से कम 1/3 हिस्से को पेड़ों की छांव से ढक दें। अगर आप ऐसा कर दें तो भूमिगत जल का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसी आधार पर हम ये देख रहे हैं कि अगले 12 सालों में कावेरी घाटी में 242 करोड़ पेड़ कैसे लगाएं, जिससे पानी की जो मात्रा हम घाटी में इकट्ठी कर पाएंगे वो 9 लाख करोड़ लीटर पानी होगा, जो कावेरी नदी में अभी मौजूद पानी की मात्रा के 45% से भी ज्यादा है। तो भारत को पानी के संकट से आजाद करना ये सिर्फ कावेरी के बारे में नहीं है। भारत को पानी के संकट और मिट्टी की कमी से मुक्त करना, इसका मतलब है ये वास्तव में इंसानी आबादी का 1/4 हिस्सा है। अगर ये आबादी मिट्टी की कमी और पानी की कमी का सामना करती है तो जो होगा वो पूरी मानवता की अंतरात्मा को प्रभावित करेगा। ये किसी भी हालत में सुंदर नहीं होगा। भारत को आजादी मिले 72 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि भारत को पानी के संकट से आजाद किया जाए। भारत को पानी के संकट से आजाद करना, अभी हमें इसी आजादी के आंदोलन की जरूरत है। हमारी जमीन आजाद है लेकिन अगर हमारे पास भोजन और पीने का पानी ना हो तो हम अपनी आजादी का क्या करेंगे?